अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अली काजमी और मैं हूं इकराम खान और ये है फिल्म वगैरह और आज की हमारी फिल्म है एवेंजर्स द एंडगेम। तो अवेंजर्स हमने जाके देखी फ्राइडे को, यानी कि पहले दिन। पहला शो तो नहीं था लेकिन चार घंटे पहले हमने जाके टिकट ली, बीच में लंच भी किया, फिर गाड़ी पे जाके दोस्तों को उठा के लेके गए। वो लोग जो नहीं जाना चाहते थे उनको भी लेके गए, बेचारे रोते रहे, लेकिन हमने एक नहीं सुनी। हमने उन्हें कहा शट अप और बैठो यहाँ पे। लेकिन देयर इज ऑलवेज अ बट, हमें लगता है कि हम इस फिल्म को रिव्यू करने के लिए भी उस तरह से वर्दी नहीं है। हम वर्दी इसलिए नहीं है क्योंकि हम मार्वल के जियाले नहीं है। मार्वल के एक जो जियाले हैं जो कुछ भी कर बैठेंगे हम, वो नहीं है। हाँ, हमने 21 फिल्मों पे मुश्तमिल कोई 11 साल या 10 साल 11 साल 11 साल 11 साल हमने उसको इतना रिलीजियसली फॉलो नहीं किया। हमने सारी फिल्में नहीं देखी, हमने वो डिटेल्स शायद मिस कर दी थी। हमने देखी नहीं तो हमने मिस करनी थी। हमने कॉमिक्स भी उस तरह से नहीं पढ़े तो थोड़ा सा गिल्टी हम जो है, हमें लगता है आप लोग हमें जज करेंगे कि यार ये लोग क्यों उठ के जो है इस फिल्म के बारे में कमेंट करना शुरू हो गए हैं। तो हमने डिसाइड किया कि ये रिव्यू करना चाहिए किसी और को, और वो कौन है? वो है नामवर अयाज, जो कि है स्टैन ली के भतीजे। मौला जट जो अभी आने वाली है, पहले तो अभी आ रही थी, फिर अब पता नहीं कब आएगी, लेकिन उसके सेकंड एडी हैं और क्या कहते हैं, मार्वल फैनेटिक है, मार्वल के जयाले हैं। हाँ जी, तो देखे मतलब फिर उनकी ओपिनियन प्रॉब्ली ज्यादा मैटर करती है। तो मेरा ख्याल चलते हैं काजमीन की तरफ। हाँ, और मैं प्लीज कर लूं जो मैं करना चाह रहा हूं। बहुत बेताबी से करना चाहते थे, एक हम सस्ते VFX चलाएंगे, तो प्लीज बस प्लीज काजमीन। ओके, थैंक यू अली। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नामवर अयाज और आज मैं अली और इकराम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस फिल्म के बारे में बात करने का मौका दिया, विच इज़ एवेंजर्स एंड गेम। इट इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग, कि ओवर द पीरियड ऑफ 11 ईयर्स आपने 11 साल में एक स्टोरी बताई है, उसके बीच बीच से आपने छोटी 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 स्टोरीज बताई हैं इंडिविजुअल कैरेक्टर्स की, फिर उसको बिल्डअप किया है। अब उसके बाद से अब हर दूसरी फिल्म फ्रेंचाइज जो है कोशिश करती है कि यार हम भी एक सिनेमैटिक यूनिवर्स अपनी बना लें आफ्टर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। एक दाद देनी चाहिए हमें जो मार्वल को जनरली, आई थिंक कि उन्होंने एक ऐसी चीज़ को पुल ऑफ कर लिया, एक ऐसी चीज़ को अचीव कर लिया जो कि उसके बाद बहुत से लोग करने की कोशिश की है लेकिन उनसे नहीं हो पाया। कैरेक्टर्स से हम सबसे पहले शुरू करेंगे। कैरेक्टर्स जो हैं वो हमारे जो फोकस था वो इनमें जो ओरिजिनल एवेंजर्स थे, जो 5-6 एवेंजर्स थे, कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, हल्क, थॉर, ब्लैक विडो, हॉकाय, इन पे फोकस था, जो कि हमें अंदाज़ा हो गया था पिछली फिल्म देखने के बाद। और आई थिंक रूसो ब्रदर्स ने बड़ी अच्छी एक जो है ना वो एक विजन को कैरी फॉरवर्ड किया पिछली फिल्म्स में से, कि आपको पिछली मार्वल फिल्म्स का जो एक फार्मूला है जिसमें कॉमिक रिलीफ भी होता है, जिसमें थोड़ी बहुत सीरियसनेस भी होती है, उसको कंटिन्यू भी किया है। साथ साथ उन्होंने एक और मज़े की चीज़ ये की है कि उन्होंने मच्योरिटी दिखाई है। उन्होंने कहा है कि नो शेट इज सीरियस, तो आपको फील होता है कि अच्छा उसकी जो ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन है वो आपको फील होती है। जो थॉर डैग्नारॉक से हमने थॉर के अंदर जो चेंज देखा है वो हमें इस फिल्म के अंदर भी नजर आता है कि थॉर थोड़ा सा कॉमिक की तरफ चला गया, थोड़ा कॉमेडी की तरफ चला गया। आई थिंक लेकिन दैट वर्कड आउट रियली वेल फॉर थॉर, बिकॉज उसका कैरेक्टर एकदम से उठा है और वो द पीपल आर लविंग हिज कैरेक्टर, दोनों फिल्म से बहुत अच्छा रिसीव हुआ है। उसके अलावा ब्लैक विडो, हॉकाय, अगेन हॉकाय पिछली फिल्म से मिसिंग थे, इस फिल्म में वो वापस आते हैं, आपको ट्रेलर से अंदाजा हो जाता है। ब्लैक विडो हैज़ ऑलवेज बीन देयर, शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, आई थिंक द ओनली स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर। अब जाके कैप्टन मार्वल इंट्रोड्यूस हुई, उससे पहले पहले तक आई थिंक जो अभी तक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल कैरेक्टर जो मार्वल ने दिखाई है वो ब्लैक विडो ही है, एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड अप्रोच। और आगे मैंने सुना कि शायद उनकी एक प्रीक्वल फिल्म भी आ रही, तो आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। यू बेटर नॉट थ्रो अप ऑन माय शिप। अब हम जो बात करने लगे हैं वो ज्यादातर प्लॉट के बारे में होगी कि इस फिल्म में हो क्या रहा है, और वो हम बगैर स्पॉइलर दिए नहीं कर सकते। तो एक अगर छोटी सी स्पॉइलर वार्निंग होगी, ये लिए आप जहां भी है मेरी आवाज आपको आ रही है तो प्लीज एक छोटा सा स्पॉइलर वार्निंग का ग्राफिक डाल दीजिएगा। मुझे पर्सनली बहुत इंटरेस्टिंग लगा था द फैक्ट कि इट वॉज नॉट ओनली अ सुपर हीरो फिल्म बट ऑल्सो अ टाइम ट्रेवल फिल्म, जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है। और इट्स वेरी हार्ड टू गेट टाइम ट्रैवल राइट, क्योंकि हमने थ्रू आउट द हिस्ट्री देखा है कि बहुत सारे फिल्मों में टाइम ट्रैवल करने की कोशिश की है, और इस फिल्म में उन सबको एक तरह से नॉट भी दिया गया है, मज़े की बात है। बड़ा एक्चुअली बड़ा एक होमाज पे किया है बाकी पिछली फिल्म को, एक रेफरेंस दिया है बैक टू द फ्यूचर, टाइम कॉप, टाइम पेट्रोल। आप एंड गेम, इन्फिनिटी वॉर देखे बगैर देख ही नहीं सकते। अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरा नहीं ख्याल आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा।
तो बहुत ज़रूरी ये भी है कि आपने पिछली फिल्म्स देखी हुई हो, क्योंकि इवन दो आपको उसके बगैर भी फिल्म समझ आ जाएगी समवॉट, लेकिन मेरे ख्याल में जो एक ट्रूली एक एक्सपीरियंस जो रूसो ब्रदर्स अपनी ऑडियंस को करवाना चाह रहे थे वो कल्मिनेशन थी उन सारे सालों की, उन सारी फिल्म्स की। और इस फिल्म में टाइम ट्रैवल भी वो जो हमारे कैरेक्टर्स करते हैं वो अपनी पिछली जो पिछले पार्ट्स हैं फिल्म्स के, एवेंजर्स होगी, थॉर 2 वगैरह डिफरेंट फिल्म्स होगी, उनकी ही टाइमलाइन में वो वापस जा रहे होते हैं। तो अगर आपने वो फिल्म्स देखी हुई हैं तो इट्स बी वेरी इंटरेस्टिंग, तो आपको बड़ा वो लगा कि अच्छा हाँ ये वो वाला मोमेंट था या ये वो वाला मोमेंट था। तो नहीं भी देखी होगी समझ आपको ऑब्वियसली आ जाएगी, बिकॉज इतना उन्होंने बहुत वेग नहीं रखा हुआ या बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं किया हुआ, इतना है कि आपकी आम आवाम जो कैजुअल ऑडियंस है जिन्होंने सारी फिल्म्स रिलीजियसली नहीं फॉलो की हुई वो देख सकते हैं, वो समझ सकते हैं स्टोरी को। लेकिन ट्रूली अप्रिशिएट करने के लिए मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है कि आपने पिछली सारी फिल्म्स को फॉलो किया हो। आई लाइक दिस वन। हम लोग एक्टर्स को स्पेशली व्हेन इट कम्स टू सुपर हीरो फिल्म्स वी डोंट गिव मच क्रेडिट टू द एक्टर्स, बिकॉज हमें लगता है कि शायद सुपर हीरो फिल्म्स में एक्टिंग इतनी अच्छी इतनी ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होती। लेकिन कुछ एक्टर्स ने हमें काफ़ी सरप्राइज़ किया इस फिल्म से, स्पेशली मैं कहूँगा रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने, जो कि सब जानते हैं कि एक अच्छे एक्टर रहे हैं हमेशा से। उनके आप पिछली फिल्म्स भी उठा के देख लें, शर्लॉक होम्स से लेके किस किस बैंग बैंग और भी जितनी पुरानी फिल्म्स हैं, ही इज़ अ ट्रेमेंडस एक्टर। और उन्होंने ही डिड अ वेरी गुड जॉब इन दिस फिल्म। क्रिस एवंस ने एज कैप्टन अमेरिका काफ़ी बारीक एक्टिंग मैं कहूँगा कहीं कहीं पे की है, जो बहुत सटल किस्म की एक्टिंग होती है जिसे हम कहते हैं, बाकियों ने भी किया लेकिन आई थिंक दीज टू स्टैंड आउट, ये वाकई में इन दोनों की फिल्म थी। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये फिल्म डिसेंट थी, बहुत ज़्यादा हमेशा से मार्वल फिल्म से कुछ रहा नहीं है कि हम उनकी सिनेमेटोग्राफी के बारे में या उनकी एडिटिंग के बारे में कुछ और बहुत ज़्यादा बात करें, क्योंकि इट्स देयर, अच्छी है, डिसेंट है, पॉसिबल है, आपको बुरी नहीं लगती कहीं पे, लेकिन कहीं पे स्टैंड आउट भी नहीं करती। लेकिन एंड गेम में स्पेशली मैं ये मेंशन करना चाहूँगा कि एंड गेम में कुछ उन्होंने आई थिंक एस्थेटिकली काफ़ी खूबसूरत शॉट्स थे, जिस तरह एक शॉट का मैं स्पेशल मेंशन करना चाहूँगा कि जब टोनी स्टार्क स्पेस में होते हैं और वहाँ पर उनकी स्पेस शिप का एक शॉट आता है कि इट लुक्स लाइक अ बर्ड इन स्पेस, पीछे पूरा बैकड्रॉप है स्पेस का, ऑलमोस्ट लुक्स लाइक अ पेंटिंग। तो इस फिल्म में उन्होंने इस एस्पेक्ट पे भी फोकस किया है। एडिटिंग अगेन नोटिसेबल नहीं है, विच अली वुड अग्री इज आई थिंक द बेस्ट काइंड ऑफ एडिटिंग। आई थिंक जो थोड़े बहुत माइनर ड्रॉबैक्स थे इस फिल्म के वो ये थे कि एक तो दिस वॉज वेरी फैन ओरिएंटेड फिल्म, कि जिन्होंने पिछली फिल्म्स उतना रिलीजियसली फॉलो नहीं की, इस तरह आई एज अ फैन हैव सीन ऑल ऑफ द मार्वल फिल्म्स, मैं पहली आयरन मैन से लेके एंड गेम तक रिलीजियसली 11 साल फॉलो किया इन फिल्मों को, तो मेरे लिए तो एक फीस्ट थी, इट वॉज फीस्ट फॉर माई आइज़ कि मैंने बहुत इन्जॉय किया। बाकी लोग जो थोड़े से कैजुअल फैंस हैं जिन्होंने पिछली फिल्म्स उस तरह से नहीं देखी या सिर्फ इन्फिनिटी वॉर देख के इस फिल्म की तरफ आए हैं, उनको समझ में आई होगी, उन्होंने इन्जॉय किया होगा, लेकिन उनको शायद उतनी पसंद ना आई हो, जो कि इकराम और अली का भी जो है ओपिनियन था, मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता उनसे। रूसो ब्रदर्स ने बहुत अच्छा एक जो है एक फुल सर्कल में कम्प्लीट किया फिल्म को, एक अच्छा एंड दिया है सारे इस 11 साल की जर्नी को, और मेरे ख्याल में तो तालियाँ बनती हैं, तालियाँ पीछे फेक। Overall, I think it was a very fitting end to the entire saga. अपने characters को बहुत अच्छी तरह से farewell दिया है. I think it was a gift from Russo brothers to the audience. मैं as a fan, मुझे बहुत अच्छी film लगी है. मैंने इसका एक एक moment enjoy किया है. मुझे इसके जो मसले थे वो कुछ खास नज़र नहीं आए. This film was pretty much a complete package. It was complete in my opinion and it wraps up the entire chapter of Avengers of the Marvel Cinematic Universe इस point तक. Very perfectly. Over to you, Ikram and Ali. Thank you so much for inviting me. तो ये थे नामर और उन्होंने अपनी तरफ से बड़ा कोई तालियां शालियां बजाई हैं, तालियों के कुछ ग्राफिक्स वाफिक्स आए हैं, लेकिन शो क्योंकि हमारा है तो हम नहीं दे रेटिंग। यार बात तो तुम सही कर रहे हो, लेकिन आई थिंक वी शुड बी द बिगर पर्सन। हाँ रहने देते हैं यार। हाँ नावर ने रेटिंग दे दी है, ही वांटेड हिज 5 मिनट्स ऑफ फेम। तो ही वांटेड इट 5 मिनट्स। तो चलो ठीक है, हम तो आते रहेंगे, अगले रिव्यू पे हम बातें करेंगे, हम देंगे रेटिंग्स। तो तब तक आई गेस दिस इज अली काजमी, दिस इज इकराम खान, सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर रिव्यू, दिस वॉज फिल्म वगैरह, ओके बाय, खुदा हाफिज। ठीक है। Okay.